तो ये देखिए कितनी सिंपल सी मैरिनेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल की स्प्रे मार लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यहाँ इसमें बड़ा चटपट सा और जल्दी बनने वाला और बड़ा स्पाइसी और बड़ा मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चिकन, मेरे पास ब्रेस्ट के पीस थे, मैंने इनको स्ट्रिप्स की साइज में काट लिया है। तो इनको मैंने अच्छे से धोकर इनके ऊपर थोड़ा सा वाइट विनीगर भी लगा दिया। तो वाइट विनीगर का ये है कि उससे ना जो चिकन जो है सॉफ्ट रहता है और ये जूसी रहता है, अंदर से जूसी होता है और क्रिस्पी सा, और इसके बाद चिकन की जो स्मेल अपनी होती है वो भी नहीं आती। तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी। तो ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास है हाफ टी स्पून ले ली तकरीबन जो है ब्लैक पेपर है, और ये मेरे पास है नियरली 1 टेबल स्पून मैंने पेपरिका और कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, यानी कि 1 टेबल स्पून ना होगा इनका पूरा जो इनका ना है कि ये, यानी कि 1 टेबल स्पून आप कह सकते हैं, ये मैंने लिया इन दोनों का। तो ये 1 टीस्पून जो मैंने क्रश चिलीज ली हैं, और ये मेरे पास सॉल्ट है, ये मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया, और ये 1 टीस्पून सेसमी सीड्स हैं, 1 टीस्पून चिली सॉस है, हाफ ये कॉर्नफ्लावर मैंने वो लिया है, 1 एग है, और ये हाफ लेमन, और ये है जी कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल कुकिंग ऑयल। चले अब हम इसको करते हैं मैरिनेट। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाह करके ये स्पाइसेस सारे, बिस्मिल्लाह। फिर हम इसमें डालते हैं ये कॉर्नफ्लावर, ये इसको क्रिस्पी बनाने में काम आएगा, और ये है जी इसके, ये है गार्लिक पाउडर ये मैं डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह। और अब इसमें मैं डालूंगी ये चिली सॉस। तो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लेमन, स्क्वीज करूंगी, ज्यादा नहीं करना। ये रहा एग, तो इसको मैं इसमें ऐड करूंगी, और अब इसमें पड़ के हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, ऑयल को ज्यादा नहीं, बस इसकी थोड़ी सी स्प्रे करनी है। हम इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, मिक्स को रख लूंगी एक साइड पे, और रफ्तारी से पहले मैं इसको करूंगी कुक। ये हो गया मैरिनेट। तो ये देखिए कितनी सिंपल सी मैरिनेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अभी मैं इसको रखूंगी एक साइड पे, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसको किस तरह कुक करती हूँ। तो अब मैं इसको रखूंगी फ्रिज में। यहाँ मैं जी बना रही हूँ, तो एयर फ्रायर को मैं कर रही हूँ गर्म, इसको मैं करूँगी ऑयल के साथ ग्रीस। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन, बिस्मिल्लाह। इसको मैंने फ्राई नहीं किया, तो आपके माइंड में होगा कि शायद मैं इसको फ्राई करूँगी, लेकिन इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी। हर चीज़ जो फ्राई है वो भी हेल्दी नहीं और सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो रमज़ान में आप खा सकती हैं स्पाइसी थिंग्स, लेकिन उसको आपको हेल्दी स्टाइल में आप उसको बनाएं तो वह सेहत के लिए भी अच्छी है और आपको टेस्ट भी वैसा ही मिलेगा। अब एयर फ्रायर में जाने के लिए, तो इसमें मैं इसमें डालूंगी एयर फ्रायर में, इसको करूंगी मैं 180 पे सेट। मैं इसको दूंगी 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के बाद हम इसको करते हैं चेक। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल की स्प्रे मार लेते हैं। चले अब हम इसमें डालते हैं ये सेसमी सीड्स। अभी ये अच्छे से कुक हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा काट देती हूँ, उल्टा देती हूँ इसको मैं थोड़ा सा ना, ये ओवन भी गोल पड़ा देखिए, अभी ये दोनों साइडों से अच्छे से कुक होगा।
इसको आप इसके ऊपर आप कोई भी सॉस डाल के खा सकते हैं, आप केचप के साथ वैसे ले सकते हैं। तो जो जो लोग ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, वैसे भी ऑयली चीज़ें, टू मच ऑयली चीज़ें रमज़ान में हम बनाते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर आप इसको इस तरह बनाएं और किसी लाइट सी सॉस के साथ इंजॉय, आप इंजॉय भी कर सकते हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी गुड है। तो ये देखें कि मैंने ये रेसिपी इसमें बना रही हूँ, तो ये हेल्थी की हेल्थी है। और ये कि वैसे भी जैसे रमजान रोजा खोलने के बाद करते हैं कुछ स्पाइसी की चीज़ खाएं, तो आप ऑयली और जो फ्राई चीज़ को जो वर्जन है आप उसको, मैंने अपनी तरफ से फ्राई वर्जन को इस तरह इसमें कन्वर्ट करके तो इस तरह बनाने की ट्राई की है। उनके पास एयर फ्रायर नहीं है तो वो पैन में डालें और ऐसे ऑयल की स्प्रे मारें और 5 to 6 मिनट एक साइड से और 5 to 6 मिनट दूसरी साइड से इसी तरह कुक करें और हल ऊपर लगा दें लीड और हल्की आंच पे, तो इंशाल्लाह कमोबेश ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो चलें जी हम देखते हैं इसको खोल के, तो माशाल्लाह जी हो गए। तो अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में। जैसे माशाल्लाह अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए ऊपर से ऐसे जैसे कि, और अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी दिखा आ रही है ना लोग फ्राइड वाली, लेकिन अंदर से देखिए कितने जूसी और जो सॉफ्ट है। चलिए इसको करते हैं बंद। तो मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे सर्व करूंगी। उसके ऊपर आप थोड़े से और सेसमी सीड्स ऐड कर लें, अगर ये ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं तो इसको मजीद डेकोरेट करने के लिए। देखिए बेहतरीन आपके एयर फ्रायर जो है चिकन स्ट्रिप्स बन के रेडी होंगे। तो इसमें थोड़ी सी मैं और ऐड कर लेती हूँ, फ्रिज में ही बच्चों ने खानी है, इस पे भी हम डाल लेते हैं सॉस। तो ये रही जी हमारी एयर फ्राई चिकन स्ट्रिप्स। तो आप होपफुली आपको ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।